आपसे कहूँ हम करबलाई साहब का, कमर अली आखुन साहब का और इनके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तमाम जो मेम्बरान हैं, हम इन सब का शुक्रगुजार हैं कि आज इन्होंने वक्त निकाला और हम सब से मुलाकात की। हमें दरअसल पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन के जो सदर हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जो नायब सदर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके कहने के मुताबिक आज हम करगिल के लोगों से बात करने आए हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जो मेन एजेंडा है और जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेन एजेंडा है वो एक ही है कि हम 5 अगस्त 2019 के फैसले को नहीं मानते हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के बंटवारे को नहीं मानते हैं, हम यहाँ की सरजमीन से 370 और 35 ए का जो उसको उठाया गया है हम इसको नहीं मानते और हम इसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है, ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एजेंडा है। और बड़े अच्छे माहौल में हमने एक दूसरे से बातचीत की, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे भी एक नज़दीकी तालमेल बना रहे और हम अपने एजेंडा को हासिल करने में कामयाब हों। सर, जिस तरह से यूटी और ये एप्लीकेशन के बाद एक फ्रेगमेंटेड नैरेटिव थ्रू आउट स्टेट हमें आ रहा है, तो उस एक नैरेटिव को जो फर्स्ट वाइल जब पहला था हमारा एक अपना एक उस चीज के लिए आप क्या करेंगे व्हाइल कंसीडरिंग जो हालात अभी चल रहे हैं? एक नैरेटिव, ये बीजेपी की एक साजिश है हम सबके खिलाफ। उन्होंने इस तमाम नैरेटिव को एक मजहबी जामा पहनाने की कोशिश की है। जो भी रियासत के बंटवारे की के खिलाफ बात करे या 370 या 35 ए को दोबारा लाने की बात करे, उन्हें कहते हैं ना ये तो सिर्फ मुसलमानों का एजेंडा है या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या ये एंटी नेशनल एजेंडा है। देखिए ना, हमारी लड़ाई मुल्क के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी और बीजेपी की सोच के खिलाफ है। बीजेपी हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान बीजेपी नहीं है। हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो मुल्क के आईन में दर्ज था और हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर आप देखें बिलखसूस पिछले दिनों का वो जो लैंड का फैसला था, लैंड लॉज का फैसला, आज अगर आप देखें तो जम्मू में भी दबी अल्फाजों में बेशक, लेकिन जम्मू में भी आपको वो लोग मिलेंगे जो इस फैसले 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ आज नहीं हैं। इसी तरह मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ करगिल में आम तौर पर लोग 5 अगस्त को नहीं मानते, इसी तरह लेह में भी आपको लोग मिलेंगे जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं है। इसलिए मैं इस प्रोपेगेंडा की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये एजेंडा जो हमारा है ये मजहबी एजेंडा नहीं है, ये इलाकाई एजेंडा नहीं है, इसमें किसी तरह की जात और बरादरी का कोई एजेंडा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों का एजेंडा है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेशनल जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के सोच के खिलाफ, ये जो लड़ाई है दूसरी जगह, अगर हम कारगिल में देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी काउंसिल में गवर्नमेंट में है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये लोकल अरेंजमेंट है इनका, ये आप लोकल लेवल पे इनसे पूछ लीजिए। हम जनाब यहाँ पे गुपकार, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ करने के लिए आए हैं।
जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य से कभी आपकी मुलाकात होगी तो उनसे पूछ लीजिए। सर, कोर्स प्रोसीजर क्या होगा, क्या जैसे कि यहाँ पे आज आधी लाख हम मुख्तलिफ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। एक तो हुआ कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में हमारे पिटीशन दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में आपके करबलाई साहब और कमल रेड्डी आखुन साहब भी इसमें पिटीशनर बन गए हैं। एक वो लड़ाई है, सियासी लड़ाई है हमारी। सियासी लड़ाई मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़ी जाती है, चाहे वो पार्लियामेंट के आह्वान में हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे जिस तरह परसों आपने पीडीपी का एहतजाज देखा जम्मू में, कल भी उन्होंने श्रीनगर में कोशिश की थी, इजाज़त मिली नहीं। हम सियासी तौर भी लड़ेंगे, हम कानूनी तौर भी लड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा है हम पुरमन तौर लड़ेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है कि इस रियासत में या इस सरजमीन पे किसी तरह के इस तरह का माहौल बने जिससे कि अमन जो है उसको नुकसान पहुंचे। करगिल के नुमाइंदे शामिल नहीं हुए तो तब तक, क्योंकि तब तक हमारी इनसे बात हुई नहीं। हम कैसे इनको शामिल करते जब तक कि हम इनसे बात नहीं कर पाए, वो गलत होता हमारे तरफ से। आज इनसे बातचीत हुई है और हमने इनसे कहा हुआ है कि हम चाहते हैं कि इनकी मीटिंग में अगर ये चाहें तो हम अपने लोग बीच बीच में भेज सकते हैं। और ज़रूर हम तो चाहेंगे कि जब कभी पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन की मीटिंग हो तो उसमें हम चाहेंगे कि करगिल की आवाज़ जो है वो शामिल हो। सर, लेह के अंदर भी एक बॉडी बना है, एपेक्स बॉडी, क्या उनसे भी आप मुलाकात करने जा सकते हैं आने वाले वक्त में? उनसे हम किसी से भी बात करेंगे, हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी। एक बात यह तय है, एक बात सुन लीजिए हम सब की तरफ से, जम्मू कश्मीर का बंटवारा नामंजूर है और यहाँ की एक इंच की जमीन भी न करगिल से, न लेह से, न जम्मू से, न कश्मीर से दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। रहमान रहीम, अमर साहब की सरबराही में पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन यहाँ पे तशरीफ ले आए हमारी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरों के साथ मिलने के लिए, उनके व्यूज सुनने के और अपनी व्यूज रखने के लिए हम उनके खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और दिल से हम इनको इस्तकबाल करते हैं। थारोली इन सारी चीज़ों पे जो भी बातें थी पोस्ट 5 अगस्त और प्री 5 अगस्त 2019 इन सारे पे डिलिब्रेशंस हुई। एक पॉइंट हम सबों की कॉमन है, वो ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ आर्टिकल 370 एंड 35A, ये करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस की भी क्लियर स्टैंड है और ये पीपल अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन इनकी भी स्टैंड है, उस पर क्लियर है और हम किसी भी कीमत पे इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो यूटी दी गई है, स्टेट को डिवाइड किया गया है, बाइफर्केशंस की गई है, इन सारे के डे फर्स्ट से हम अगेनस्ट हैं, आज भी अगेनस्ट हैं और आइंदा भी हम अगेनस्ट रहेंगे। तो ये हमारी टोटल बातें थी, इसके साथ हमारी अपनी कुछ इश्यूज थे जिस पे हमने इनके साथ भी बात रखी, इनके कुछ प्रपोजल्स है, उस प्रपोजल्स को भी हम स्टडी कर रहे हैं। ये सारी बातचीत हमारी हो गई है, पूरी टीम ने हमसे बात की और हमने इनसे अपने व्यूज रखे कि टोटल्स हमारे।